이거 넣을 때 이대로 끝. 이대로 넣으면 थोड़ा सा सेंटर में हो गई भी तो दिव्या आपके भाई ने बताया हल्दी में आपने सुबह बहुत रोए इमोशनल दिस क्यों क्या बताना चाहेंगे ऊपर क्या हुआ ऐसा कोई इंसिडेंट जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे वेरी पापा की याद आ किसने बोला आपको मैंने आपने अभी जाएंगे ऊपर होल्डर लाइक एक मिनट सर सर बोलो डन पकड़ो तो दिव्या जी अपूर्वा अरे ऐसा लेगा फाइनली दिन आ गया साथ तेरे हो गए काफी एंड ऑफिशियली क्या कहना चाहोगे ये पल के बारे में आप बोलो यार तो अभी तक जी रहा होता अंदर जा रहा है इसलिए चुप मुझे लग रहा है आपने तो बोला शादी के बाद चुप नहीं तो इट्स इट्स अ सरियल सरियल फीलिंग इट्स इट्स वेरी इमोशनल वेरी नाइस ये जो इंटर जो क्लास हुआ काफी क्यूट हम मुझे काफी पर्सनली काफी क्यूट लगा आप बताना मुझे नहीं पता था मुझे याद भी नहीं था मैंने बहुत पहले दिए थे पापा से बस तुम रखो आज व्हेन आई सॉ हिज फर्स्ट लुक तो मैंने देखा अपूर्व आपकी एंट्री भी काफी खास हुई थी दो पॉपीज लेके अरे यार पिंपल करके यस वो जा रहे थे उनको भी पूछा मैंने कैसी हुई तो घोड़े पे बैठ के करते वो बात अलग है अपने घर वालों के साथ हमारी फैमिली है दिव्या आपका आउटफिट जो है काफी मतलब यूजुअली यही है ना यस क्या बताना चाहेंगे आइडिया किसका था ये आइडिया तो मेरा ये आइडिया मेरा था आई वांटेड टू डू समथिंग सो डिफरेंट मतलब पेस्टल्स एंड रेड्स देख देख के मैं थोड़ी सी बोर हो गई मतलब नहीं इस बार मेरे को चेंज करना है चेंज सो इसलिए पर्पल आई थिंक इट्स इट्स अ ब्यूटीफुल कलर और बिकॉज हम सनसेट कर रहे थे तो आज लकीली स्काई भी वैसा ही हुआ था इट वाज वेरी पर्पल या अभी अपूर्वा की मम्मी से बात हुई उन्होंने कहा आप दोनों ही शादी बहुत ही मतलब क्लोज फैमिली के साथ करना चाहते थे एंड पैसे नहीं वेस्ट करने थे आपको मतलब ये एक थॉट कैसे आया बिकॉज आपकी वेडिंग आपने कहा था शादी करेगी तो कभी भी ज़्यादा खर्चा ज़्यादा धूमधाम से लोगों के लिए मत करना अपने लिए करना लेकिन आज हम लोग इतने शांति से हमने फेरे किए हमको किसी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को रूम मिला या नहीं कितने खाना खाया नहीं कुछ नहीं हम हंसते खेलते हमने फेरे कर लिए कोई स्ट्रेस नहीं हुआ आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग एंड यू नो किसी भी डॉटर को
अपने लाइक किसी भी डॉटर के लिए किसी भी पापा को लोन लेके शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में, किसी को भी लोन नहीं लेना चाहिए, किसी को भी नहीं लेना चाहिए किसी में। हमारे ट्रेडिशंस में बहुत खर्चा जरूर होता है तो ठीक है, पर अगर नहीं है तो अपने आप को प्रेशर करके मत। शादी खुद के लिए और किसी को दिखाने के लिए दिखावा की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं होनी चाहिए। अपूर्वा वैसे तो आप बहुत कम बोलते हैं, बट आज हम लोग चाहते हैं कि आप ज्यादा बोलो। मैं ये चाहता हूँ कि मैं बोलूँ आज के बाद और चांस मिले। जो शादी के इतने सारे रिचुअल्स हुए, आपके पसंद का क्या हुआ इसमें? पूरे रिचुअल्स पसंद के थे, ऐसा कुछ ये नहीं था कि बिना चॉइस के था, सब कुछ एकदम प्रॉपर भगवान को अग्नि को साक्षी मान के जैसा किया जाता है वैसे ही किया गया। दोनों के मिक्स के हिसाब से मराठी और पंजाबी मिक्स कहां से हो सके मिक्स कर सके उन्होंने किया। यस, सो अभी गृह प्रवेश होने वाला है दिव्या, घर पे जाओगे सबसे पहले क्या करने वाले आप? गृह प्रवेश के बाद मैं बोलूं चेंज करने वाले, मुझे कब से मुझे बहुत भारी मेरा कुछ तो अटका हुआ है बाल कहीं पे, आई एम नॉट एबल टू मूव इट। हां बढ़िया, गृह प्रवेश में अगेन यहां पे दिया लगाएंगे उनके मंदिर में, फिर शायद कुछ बनाना भी होता है ना मीठा, है ना, मीठा भी बनाऊंगी। आप दोनों एक साथ प्रोजेक्ट में कब आओगे? ये तो काशी के पीछे पड़े नहीं यार, आई डोंट थिंक सो, इनका मन करेगा तो व्हाई नॉट, शादी की वीडियो में दिखेगी तो। आल्सो दिव्या, जूता छुपाई को लेकर काफी आपकी फ्रेंड्स के बीच में धमाल मचा हुआ था, आखिर आपने दिया कितना? गिरा दिया दूल्हे को, गिरा दिया दूल्हे को, छुपाया नहीं उन लोग ने, उनको मिला ही नहीं, उनको नहीं मिला, बहुत अच्छे से लड़के वालों ने बहुत अच्छे से छुपाई, हाथ में बैग में लेके घूम रहे थे, उनको पता ही नहीं था ये लोग सब जगह घूम रहे थे। क्या बात, गिरा दिया दूल्हे राजा को। Thank you so much. Congratulations, guys. Thank you. Thank you. अब तो बंद गए रोल, अरे रोल कैसे पूरा हट तो दीजिए, हो गया आप लोग का इस सेंटर लग दिया ना दोनों लोग, अपूर्वा भाई सेंटर बैठ कर ले, फिर शॉट हम भी बना लेंगे साथ में। चलो मजर काफी वेट करती अपने लड़के के लिए। अरे रवि क्या कुछ कहना चाहोगे, आज आप आए भी थे काफी हैप्पी डे, नॉर्मल वे में शादी हुई, क्या कहना चाहोगे जो फंक्शन हो गया वो सिंपल और जैसा हमें चाहिए था वैसा हो गया, और दोनों बच्चे खुश हैं, उनको जैसे वेस्ट ऑफ मनी नहीं करने का था तो तरफ से उन्होंने कर दिया, तो हम लोग पूरे सपोर्ट भी कर रहे हैं कुछ भी, और जैसा चाहिए वैसे हो गया, दोनों की खुशी हुई हमारे लिए मेन है ना। आपको जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि दिव्या के बारे में मैं जानता हूँ काफ़ी इमोशनल है, इमोशनल लड़की है ना, अपूर्वा ने काफ़ी सपोर्ट किया उनको थ्रू आउट जर्नी के बारे में, आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं एक्चुअली अपूर्वा का जो चॉइस है वो पहला बचपन से हमें पता था कि वो बेस्ट रहेगा, और दिव्या मिलने के बाद भी ऐसे लगा कि जो उन्होंने किया वो बराबर जो परफेक्ट ही हो गया, तो जो हमारी इमेजिनेशन थी के बारे में किस तरह आज रिचुअल्स किस तरह हो गए आज? सिंपल हो गया, जो हमारा महाराष्ट्र साइड में सब शादी हो गई है और जैसे चाहिए था वैसे बनाइए, ज़्यादा कुछ ऐसे थोड़ा फील आना चाहिए उतना ही डेकोरेशन भी है, और ज़्यादा कुछ बारात नहीं है, आवाज़ नहीं, वॉइस पोल्यूशन भी अच्छा नहीं रहता है, वो हमारा एनिमल लवर है और देखिए तरफ से शादी अभी तक सीखी नहीं है, लेकिन उस सिंह ने प्रवेश करने दोगे तो भी सीखेगी ना? हाँ, तो बहू बनी नहीं है ना, बहू बनने के बाद तो डेफिनेटली वो बनाएंगे, क्योंकि वो अच्छी कुक भी है ना, वो तरफ से जो फर्स्ट टाइम आया था पंजाबी फूड वो भी बहुत बेस्ट था, तो नेचुरली हमारी स्टाइल भी सीखेगी, हमें अच्छा लगेगा, फिट खिलाएगी आपको लगता है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। एक विजुअल म्हणजे कसं बघा,
धन्यवाद धन्यवाद।